सुबह का वक्त है और जू अभी खुला है। सभी लोग जानवरों को देखने आए हैं और तभी जंगल का राजा एलेक्स सबको नए पोज कर लुभाता है। फिर पब्लिक उसको देखकर पागलों की तरह झूम उठती है और उसके फोटो खींचने लगते हैं। वही दूसरी और पेंगुइन है जू से भागने के लिए गड्ढा कर रहे हैं और तभी एक पेंगुइन तैर कर आता है और बच्चे के हाथ से चम्मच छीन कर भाग जाता है और गड्ढा करते हुए एक पेंगुइन जेब्रा के बाड़े में आ जाता है और उसको यहाँ से भागने को कहता है और किसी को कुछ न बताने कहकर भाग जाता है। रात होते ही जेब्रा वहां से भाग जाता है। पीछे उसके दोस्त उसके लिए परेशान हो रहे हैं और उसको ढूंढने का प्लान बना रहे हैं। फिर वो उसको एयरपोर्ट पर पकड़ लेते हैं और गले लगते हैं और वापस चलने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो मना करता है। तभी अचानक वहां पर पुलिस और वन विभाग की टीम आ जाती है, लेकिन एलेक्स उनको समझाने की कोशिश करता है। फिर एलेक्स उनको अपना पोज करके दिखाता है, लेकिन क्योंकि वो सभी डर चुके हैं तो वो उसके बंपर बेहोशी कर उसको बेहोश कर देते हैं और वह लड़का गाता हुआ गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक लकड़ी के डब्बे में बंद पाता है और परेशान होता है। शेर तब जाकर रिलैक्स होता है जब उसको पता चलता है कि उसके दोस्त भी उसी के साथ बाकी डब्बों में बंद है। तभी अचानक पूरा शिव जोर से हिल जाता है और चारों के चारों जानवर के डब्बे रपट कर समुन्द्र में जा गिरते हैं और तैरने लगते हैं। पूरे समुद्र में तैरते हुए शेर का डिब्बा एक टापू पर जाकर रुकता है और शेर वहां बहुत घबरा जाता है और पानी से भी डरने लगता है। एक और डिब्बा टापू पर आकर रुकता है जिसके अंदर से हिप्पो निकलता है और एक जोरदार किक शेर को मार देता है और वह उठा हुआ सीधा जिराफ के ऊपर जाकर गिरता है। लेडी हिप्पो निकलकर अपनी अदा दिखाती है। फिर जेब्रा भी डॉल्फिन्स के ऊपर चढ़कर टापू पर आ जाता है और उनको थैंक्स बोलता है छोड़ने के लिए और फिर चारों मिलकर गहरी सांस लेकर हम साथ साथ हैं वाला पोज करते हैं। शेर के ऊपर एक मकड़ी चढ़ जाती है तो शेर उसे देखकर डर जाता है और जोर से दहाड़ देता है जिससे डरकर सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं। यह नेवलों का परिवार जंगल में शेर को देखकर बहुत खुश है क्योंकि वह उसको अपने परिवार में लेना चाहते हैं ताकि जंगली जानवर उस पर हमला न कर पाए। फिर उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे परिवार में क्यों आ जाऊं। नेवला कहता है क्योंकि मैं इस टापू का राजा हूं, यहां सिर्फ मेरी ही चलती है और मैं तुमको खाने में कीड़े दूंगा। फिर उसको बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूं और वही वापस जाना चाहता हूं जहां पर इंसान रहते हैं। तो नहीं बोला उसको बोलता है कि मैं भी एक इंसान को जानता हूं। तो शेर खुश होता है कि कहां वह उसको ऊपर दिखाता है तो वहां पर एक पायलट का कंकाल लटका हुआ होता है। यह सब देखने के बाद शेर वहां से भागने लगता है कि मैं तो यहां से तैयार कर ही वापस चला जाऊंगा। तभी उसके पीछे आकर लेडी हिप्पो उसको पकड़ लेती है और वापस खींच लेती है। अब शेर को एक आइडिया आया है और वह लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करके कुछ तो बना रहा है, जिसको देखकर शेर बहुत खुश हो रहा है और शेर जोर से चिल्लाकर बताता है कि मैंने यह बना दिया। लेडी कुछ ऐसे ही मुड़कर देखती है तो शेर ने लकड़ी से स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दी होती है और वह चौंक जाती है, लेकिन अचानक स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आग लग जाती है और शेर नीचे आगे गिरता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आग लगने के बाद वह पूरा जल जाता है। शेर बेचारा लकड़ियों की मदद से हेल्प लिखकर वहां बैठ जाता है। जेब्रा उसको खुश करने के लिए एक लकड़ी का घर बनाता है जिसमें उसको इन्वाइट करता है। दरवाजा खोलकर फिर जेब्रा एक लकड़ी का लीवर खींचकर उसके लिए शाही घास के कबाब लाता है, पर वह तो शेर है, उसको तो मांस चाहिए। फिर सब एक एक करके वह कबाब खाते हैं। जैसे ही शेर खाता है तो उसके गले में फंस जाता है वह घास का टुकड़ा। शेर पागल हो चुका है भूख से और उसको सपने में सिर्फ मीट दिखाई दे रहा है और वह सपना देखता हुआ एक मीट का टुकड़ा पकड़ के उसको चाटने लगता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह जेब्रा का पिछवाड़ा चाट रहा होता है क्योंकि वो बेचारा भूख से पागल हो चुका है। सबको बोलता है मैं चेक कर रहा था कि जेब्रा ब्लैक है या व्हाइट। अब शेर भूख से पूरी तरह पागल हो चुका है और अब उसको उसके सभी दोस्त बस मीट दिखाई दे रहा है और उसकी भूख उसको लालच दे रही है। इन सबको खाने के लिए सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। अचानक जेब्रा चिल्लाता है तो सब देखते हैं शेर ने उसके पिछवाड़े पर काट लिया है। भूख से परेशान ये शेर पागल हो चुका है, सभी जानवर उसको मीट दिख रहा है और फिर वो लपक कर जेब्रा का पिछवाड़ा काट लेता है। फिर जब वो होश में आता है तो अपना मुंह साफ करता है, लेकिन ये शेर अब पूरी तरह भूख से बेहाल हो चुका है और जंगल में खड़े इसके सभी दोस्त इसको अपना खाना लगने लगी है और देखते ही देखते शेर पूरी तरह पागल होकर खूंखार हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। सभी जानवर भागने लगते हैं, शेर जेब्रा के पीछे भागने लगता है। शेर उसको पकड़ने ही वाला होता है कि जेब्रा के दोस्त नारियल फेंक कर शेर को गिरा देते हैं। अब शेर होश में आ गया है और अपने खतरनाक नाखून देखकर अफसोस करता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं अपने दोस्तों के लिए खतरा हूँ, और वहाँ से दूर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है और गिर्राफ की नाक पर आकर रुकती है। उस शिप में से पेंगुइन निकलते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा जेब्रा दोस्त कहाँ है। जब वो सब गर्दन घुमाते हैं तो वो वहाँ नहीं होता। पेंगुइन अपनी टीम को बोलता है जल्दी उन्हें ढूंढ कर शिप नई यॉर्क ले चलो। जेब्रा अपने दोस्त को मना रहा है क्योंकि शेर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन शेर तो मानता नहीं। लेकिन जंगली बिल्लियाँ आ जाती है उसको खाने। नेक्स्ट जेब्रा शेर को मना रहा है लेकिन वहाँ पर जंगली बिल्लियाँ उसका शिकार करने आ जाती है और वो उनसे डरकर पीछे हटने लगता है। घबराकर मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाता है, बिल्लियाँ उसके पीछे भागने लगती है। दो बिल्लियाँ कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसकी बियानी बनाने को उस पर नींबू मिर्ची लगाने लगती है। जेब्रा उनको गिराकर भाग जाता है, बिल्लियाँ उसको चारों तरफ से घेर कर झपट पड़ती है, लेकिन तभी जिराफ आ जाता है टार्जन बनकर रस्सी पर झूलता हुआ और उसे लेकर उड़ जाता है और सीधा एक पत्थर में जाके ठुक जाता है। अब बिल्लियां उन तीनों के
पीछे भागने लगती हैं, तभी अचानक वहाँ पर पेंगुइन आ जाता है और उनको गन दिखाता है। सभी बिल्ले रुक जाते हैं और पेंगुइन हवा में फायर कर देता है। सारे बिल्ले फ्लेयर देखने में बिजी हो जाते हैं, तो पेंगुइन इतनी देर में एक हथियार तैयार कर लेता है। फिर जैसे ही बिल्ले उसके नजदीक आते हैं तो उसको गोल गोल घुमाकर सारे बिल्लों की पुंगी बजा देता है। पेंगुइन का हथियार अब फेल हो गया है, सभी बिल्ले इन पर हावी हो गए हैं। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है और ये सोचते हैं कि इनका दोस्त इनको बचाने आया है। शेर जोर से दहाड़ कर बोलता है कि ये मेरे शिकार है, तुम सभी पीछे हट जाओ। निकम्मो सभी बिल्ले पीछे हट गए हैं। शेर अब आगे बढ़ रहा है अपने दोस्तों को खाने के लिए। गुर्राते हुए धीरे धीरे शेर ज़ेब्रा की तरफ बढ़ रहा है। ज़ेब्रा बेचारा बहुत ज्यादा डर गया है। ज़ेब्रा सोच रहा है कि वह अपने ही दोस्त का भोजन बनेगा, लेकिन शेर उसको आकर बोलता है। गूम शेर मजाक कर रहा होता है और वह ज़ेब्रा का मुंह पकड़ लेता है कि ज्यादा जोर से मत बोलो, हमें नाटक करना है। फिर शेर अपने तीनों दोस्तों को अपने कंधों पर उठाकर बिल्लों को गुर्रा कर दिखाता है कि पीछे हटो, यह मेरा खाना है। शेर बोलता है कि तू बिल्ले सुन, और फिर जोरदार अपने पंजे से वार करता है और तीन बिल्ले को एक साथ फेंक देता है। वह तीनों हवा में उड़ते हुए जाकर गिरते हैं। फिर शेर एक बिल्ली को उठाकर उसका नंचक बना देता है और उसको गोल गोल घुमाने लगता है और जोर से घुमाकर फेंक देता है। फिर शेर बहुत जोर से गुर्राता है और बोलता है, भाग जाओ बिल्लो, नहीं तो आज तुम्हारी मौत पक्की है। और सभी बिल्ले वहाँ से भाग जाते हैं। शेर कहता है, वापस नहीं आना, लौट कर यह मेरा इलाका है। और सभी दोस्त फिर आपस में मिलकर हम साथ साथ हैं वाला पोज फिर से करते हैं। अब पेंगुइन शेर की भूख मिटाने के लिए एक जुगाड़ ढूंढता है और मछली काटकर शेर के मुंह में रख देता है और उसको बहुत लजीज लगता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने